आपको बताने वाली हूँ कि थर्माकोल की प्लेट पे आप कैसे पेंटिंग करें। और इस पे मैं वैसे पेंटिंग आप बहुत सारा देखे होंगे, लेकिन मैं इस पे मधुबनी पेंटिंग बनाने वाली हूँ जो बहुत ही आसान है बनाना। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक प्लेट चाहिए, और जो आप घर में बच्चे के बर्थडे पार्टी वगैरह में बची जाते हैं तो उसी पर या तो पेंसिल से एक आप सर्कल बना लें इस तरह से। और उसके बाद उसी सर्कल को आप फिर उससे एक और छोटा सर्कल बना लें। ये बस हमको ऐसे ही एक ये करने के लिए बनाना है, जिससे कि हम इस पर मैं पेंट भी करने वाली हूँ तो बस एक आइडिया ले लेना है जो हाँ यहाँ पे हम बना रहे हैं और सही ही बने। पर मैं मार्कर जब चलाऊंगी तो फिर दिखने लगेगा। इस पर मैं एक मोर बनाऊंगी। मोर बनाने के लिए सबसे पहले आप एक आम का सेब बना लें, ये देखिए आम का सेब, और उसके बाद ऐसे ये दिख नहीं रहा, ये देखिए इस तरह से मार्कर से बनाते हैं इस तरह से। अब ये पेंट होगा तो फिर और आपको अच्छे से दिखने ऐसे इसका यहाँ पर इसका पंख, ये बस आपको इसमें। अब ऐसे कोई जरूरी नहीं कि आप मधुबनी पेंटिंग ही बनाए, आप कुछ भी बना सकते हैं जो आसानी से भी बन जाए, या तो फिर सिर्फ कलर करके भी आप इसे वॉल पे लगाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर दिखने में लगता है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैं इसे इसमें पोस्टर कलर है थोड़ा ना इसमें जल्दी चढ़ता नहीं रहता है, थोड़ा टाइम लगता है, और फैब्रिक कलर ना जल्दी से चढ़ जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि फैब्रिक कलर से ही करें। उसके बाद सीधा लाइन के साथ इसे सभी के साथ ऐसे कनेक्ट करें। इस तरह से ये पूरा सलाम कर लेना है, इस तरह से पूरा डिज़ाइन बना लेना है। देखिए इस तरह से हम इसे पूरा बना लेंगे। देखिए कैसे बनाना है, इसको डबल एंड करना है, ऐसे मतलब बीच में से एक हाफ सर्कल, फिर इसको डबल करना है, इस तरह से डिज़ाइन बनाना है, ऐसे। देखिए यहाँ तक मैंने इसे कर लिया। अब ये वाला भी ऐसे ही सारा डिज़ाइन बनाना है। देखिए इस साइड में भी डबल लाइन करके इस तरह से, और इसको ऐसे ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर देना। अब हम ये जो मोर है इसमें भी ब्लैक से इसमें करेंगे, मोर को ब्लैक से आउटलाइन सारा करेंगे। इसको थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसको सूखने भी देना रहता है, सूखने देना पड़ता है, नहीं सूखने पे देखिए इस तरह से हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं क्या करूँगी इसमें, यहाँ पे इसके पैर में भी कुछ मैं अब इसमें मार्कर से नहीं, मैं इसे वाइट कलर से करूँगी। जितना सुंदर से इससे आप डेकोरेशन करेंगे उतना ही ये प्यारा दिखने में लगेगा। थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लाइन करके इसके पैर है, और इसमें भी ये जो है इसमें भी हम डिज़ाइन दे देंगे। पहले मैं क्या करूँगी इसके ये इसके पीछे से मैं इसमें यहाँ पर डॉट डॉट दे दूँगी, ये दिखने में और भी सुंदर लगे। जिस तरह से आप चाहें इसे डॉट सुंदर बना सकते हैं। इसमें मैं निकाल लेती हूँ, इसी तरह से आपको पूरा। हेलो फ्रेंड्स, देखिए अब ये मेरा पूरा बनके तैयार हो गया। ये देखिए कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है ये आप जरूर बताइए। और ये मैं छोटे छोटे डिटेल्स जैसे यहाँ पे लाइन देना, इसमें छोटे छोटे डिटेल्स सब वो आप अपनी तरह से जिस तरह से डेकोरेशन करना हो आप उसे सजा सकते हैं। और मैं दिखा रही हूँ आपको मैंने दूसरे वाले भी ऐसे, मैं ये देखिए दोस्तों मैंने दो पहले से ही बना के ये रखी हुई हूँ। और आपको कैसा लगे जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।